गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मैं ग्लो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लेन है रशिया और यूक्रेन वॉर में जो डिस्ट्रॉय हुआ AN-225 इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाएंगी और ये कौन सी लोकेशन में ये क्रैश हुआ, प्लेन किस टाइप का था और ये कितने कैरी लोड को कैरी करता है। और हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसकी तरह एक सैन्य विमान जो रशिया की जो एयरफोर्स यूज करती है AN-124 कंडोर ये किस टाइप से डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे हमारी जो वीडियो की रीच है वो बढ़ सके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कौन सी लोकेशन में ये विमान क्रैश हुआ। जो रशिया का AN-225 है इसकी कैपेबिलिटी की बात की जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन है ये। यूक्रेन के एयरबेस होस्टोमोल में इसकी जो क्रैश हुआ ये आपका लेजेंडरी टाइप का प्लेन है। यदि इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। ये बहुत टाइप के जितने भी फैन हैं इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है ये अराउंड वर्ल्ड में, ठीक है ना। इसकी जो एयर शोज है वो वर्ल्ड देखो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है आप समझ सकते हो। यदि इसकी बात की जाए ये कितना फ्लाई कर सकता है, फ्लाई की बात की जाए तो ये आपका ओवर 290 फीट के आसपास रह सकता है। यदि इसकी बात की जाए ये कितना दूर तक जा सकता है, 84 मीटर लॉन्ग। ये एक 6 इंजन है, आप जान सकते हो कि 6 इंजन टाइप का ये विमान जो एयरक्राफ्ट है एयरप्लेन है। तो ये इसकी बात की जाए तो ये इसके गियर जो व्हील के लैंडिंग गियर है वो 32। यदि इसकी कैपेबिलिटी लोड की बात की जाए तो ये 640 टन की कैपेबिलिटी के साथ हो सकते हैं। यदि आप इसकी कितने स्क्वायर मीटर ये कवर कर सकता है तो 905 स्क्वायर मीटर के आसपास ये कवर कर सकता है, आप देख लीजिएगा। ये यदि इसकी बात की जाए ये मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक ये विमान जा सकता है एयरक्राफ्ट, 15,400 किलोमीटर। यदि आप न्यूटन माइल में बात की जाए तो 8,300 न्यूटन माइल, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्यूल की इसकी कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये 200 टन के आपकी कैपेबिलिटी लोड के साथ कार्गो को अपलोड कर सकती है। यदि हम इस बात करेंगे विमान कब का है तो ये इस विमान जो आया था 1980 सोवियत यूनियन के टाइप का है, जब USSR से आपको टूटा था, विघटन हुआ था 1991 में, ये सोवियत यूनियन के टाइप का है। यदि इसकी कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये फ्यूल लॉजिस्टिक जितने भी आपके आर्म व्हीकल होते हैं, टैंक्स, इन्फेंट्री फाइव व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ये एक तरफ से आप पूछेंगे कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी क्या होता है, ये एक तरफ से आप समझ सकते हो कि ये लोकोमोटिव आर्टिलरी होती है, ठीक है ना। जो हमारे लेफ्ट और राइट करके जो गन का जो रिफिल किया जाता है ना वहाँ वो वाला एरिया होता है जी, ठीक है। तो ये सोवियत यूनियन प्रोग्राम ये जिसकी कैरी करता है बरन में, ठीक है ना। ये एक बरन प्रोग्राम था जिसको कैंसिल कर दिया गया, ये जो आपकी रशिया जो समय सोवियत यूनियन था और अमेरिका के बीच में ये कोलैप्स हो गया था, ठीक है ना। जब सोवियत यूनियन हो गया था तो ये जो बर्नर प्रोग्राम है वो आपका कैंसिल हो गया था। यदि आप AN-225 एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये ट्रांसपोर्ट को कैरी करता है, बहुत टाइप के लोड को ये कैरी करने में इसके ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। AN-225 को किसने बनाया, की बेस्ट एंटोनॉम कंपनी है जो इसको AN-225 को बना रही है। इसी की तरफ के राजवरण को डिजाइन किया गया एंटोनॉम कंपनी के द्वारा जो AN-124 है। कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें 3 बिलियन के आसपास खर्चा आ जाएगा 5 ईयर में एयरप्लेन को, ठीक है। और ये यदि इसकी बात की जाए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। ये वीडियो का एंड है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक